very good morning students today we are going to i am going to explain you the strategist this is the b section of unit 4 from your english channel book that is of class 8th book this is adapted from the strategist by saki let us know about the author Saki is the pen name of Hector Hughes Munro, a prolific Scottish author. He is often referred to as the master of short stories and is compared to other well-known authors like O. Henry and Dorothy. Uh, students, here is here are some questions for you. Do you like parties? Do you like to play party games? What is your favorite party games? Read about some young people at a party and the games they play. So, students, here we are, we are going to read uh, the, about the strategy, about the party game, and I'm going to tell you the summary first of all. The strategist is written by Saki, whose novels are famous for a touch of humor. The strategist deals with a party organized by Mrs. Jellett, where young people come in regularly, play games and have a good food. Here the key characters of this story are Rolo and Rosle, who are childhood enemies. The story starts with a game initiated by Rosle and ends up in the dinner table where they fight for the peach. The story is aptly named strategist as Rolo, using his skills to persuade the people who he meets there. Okay, students, let us see the explanation of the chapter. Mrs. Jallett's young people's parties were very exclusive. It came cheaper that way because you could ask fewer to come. देर विल भी अब टेन गर्ल्स स्पेकुलेटेड रोलो एज य ड्राउ टू द फंक्शन एंड आई सपोज फोर फेलोज अनलेस द रोस्लो रोस्ल ब्रिंग द कजन विच हैवन फॉर बिट डेट वुट मीन जे कैन मी अगेंस्ट थ्री ऑफ दैम तो हेयर मिसिस जेलट की जो यंग पीपल की पार्टीज होती हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होती हैं और ये चीपर भी होती हैं क्योंकि इसमें तुम कम लोगों को बुला सकते हो अगर कम लोगों को बुलाओगे तो कम खर्चा होगा तो इट्स इस तरीके से वो चीपर होंगी लेकिन एक्सक्लूसिव होंगी अच्छी पार्टीज होंगी और रोलो ने आइडिया लगाया स्पेक्यूलेटिड मीन्स आइडिया लगाना लेटर सी दर्ड मीनिंग फर्स्ट एक्सक्लूसिव मीन्स एक्सपेंसिव एंड डिफरेंट स्पेक्यूलेटिड मीन्स थॉट कंसिडर्ड तो जो रोलो है दैट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर हु इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिस्ट तो वो बोलता है कि दस लड़कियां होंगी लगभग और जब वो फंक्शन में जा रहा था तो उसने सोचा और मुझे लगता है कि चार फेलोज होंगे चार फ्रेंड्स होंगे जब तक कि वो सोचता है कि भगवान करे रोसले ब्रदर्स अपने कज रोसले अपने कजन को न लेकर आए इसका मतलब जैक और मैं होंगे और वो लोग थ्री होंगे रोलो एंड द रोसले ब्रदर्स हैड मेन्टेन्ड एन अन नाइन फ्यूड ऑलमोस्ट फ्राम नर्सरी डेज अब रोसले रोलो और रोसले दोनों क्या थे चाइल्ड हुड फ्रेंड थे अन नाइन फ्यूड मीन्स एनिमिटी मतलब वो चाइल्ड हुड डेज से ही मतलब नर्सरी डेज से ही वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे दे ओनली मेट नाओ एंड देन इन द हॉलीडेज वो कभी कभी मिलते थे हॉलीडेज वगैरह में एंड द मीटिंग वॉज यूजली ट्रेटजिक फॉर हुपन टू हैव द फ्यूएसट बेकार एट हैंड और देखो जो मीटिंग होती थी जब वो मिलते थे वो क्या होते थे अक्सर वो एंड होता था परेशानी में वो मतलब अच्छी बैड एंडिंग होती थी उनकी अच्छी नहीं होती थी जो कम होते थे उनके हाथ पैर टूटते थे मतलब वो घायल हो जाते थे रोलो वाज काउंटिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिवोटेड एंड मस्कुलर सपोर्टेड टू बी ए स्ट्रोंग टीम और रोलो काउंट uh, कर रही कर रहा था कि कौन उसका डिवोटेड और जो मस्कुलर सपोर्टर होगा ताकि उसकी टीम सपोर्ट हो सके मस्कुलर मीन्स uh, ताकतवर ठीक है जिससे कि अगर वो लड़ाई झगड़ा करें तो वो जीत जाए एज ही अराइव ही हार्ड इज प्रोस्पेक्टिव सपोर्टर सिस्टर अपोलोजाइज दी होस्टेज फॉर दी अनअवॉइडेबल एबसेंस ऑफ हर ब्रदर जब वो पहुंचा पार्टी में पहुंचा कौन रोलो तो उसने अपनी जो जो प्रोस्पेक्टिव जो होने वाला सपोर्टर था उसका कौन था वो जैक जैसे कि वो सोच रहा था जैक और वो एक पार्टी में हो जाएंगे और ले और वो जो तीन बच्चे होंगे वो दूसरी पार्टी में हो जाएंगे और दो बच्चे होंगे लेस उसका कजन ना आए तो उसने उसकी जो प्रोस्पेक्टिव सपोर्टर है जो जैक की सिस्टर की सिस्टर है उसे कहते हुए सुना होस्टेस को कि मेरा भाई नहीं आ सकता किसी अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसिस की वजह से मीन्स वो एबसेंट था तो उसे वो टाल नहीं सकता था इसलिए वो उनसे माफ़ी मांग रही थी कि मेरा भाई नहीं आ सकेगा अ मोमेंट लेटर ही नोटेड डैट द रोसलेज एड ब्रॉड देयर कज़न और उसके बाद उसने थोड़ी देर बाद नोट किया कि जो रो, रोसलेज हैं वो अपने कजन को भी लेकर आए जैसा कि वो सोच रहा था कि जैक आना चाहिए लेकिन जैक नहीं आया लेकिन रोसलेज कक्का जन है जो नहीं आना चाहिए वो आ गया था देखो बेटा ये वर्ड मीनिंग्स है फ्यूड मीन्स कॉन्टिन्यूस हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी ठीक है प्रोस्पेक्टिव मीन्स ऑफ और इन द फ्यूचर मतलब होने वाला फ्यूचर में होने वाला उसका प्रोस्पेक्टिव जो इसमें लिखा हुआ है जो प्रोस्पेक्टिव सपोर्टर मतलब कौन होने वाला था उसका प्रोस्पेक्टिव सपोर्टर जैक सपोर्टर ए पर्सन हु हेल्प्स यू ओके सपोर्ट यू Two against three would have been exciting and possibly unpleasant. One against three would be as amusing as a visit to the dentist. तो वो कहते हैं कि two अगर होते हैं एक टीम में और three एक टीम में होते हैं, तो वो काफ़ी exciting होता possibly वो थोड़ा बुरा थो होता, तो होता क्योंकि दो एक टीम में होंगे और तीन एक टीम में होंगे तो मुकाबला थोड़ा मुश्किल होगा दो के लिए लेकिन कहते हैं कि अगर एक ही हो जाएगा और तीन दूसरी टीम में होंगे तो ये तो ना ऐसी हालत हो जाएगी कि डेंटिस्ट को ही विजिट करना पड़ेगा अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया उनका तो रोलो ऑर्डर इज़ कैरिज फॉर एज अर्ली एज वाज डिसेंटली पॉसिबल एंड फेस द कंपनी विद अ स्माइल और रोलो ने अपनी कैरिज गाड़ी को ऑर्डर दिया कि जितनी जल्दी आ सके वो वहाँ पे आ जाए और उस कंपनी को मतलब जो भी वहाँ पे लोग थे उनको स्माइल के साथ फ़ेस किया नव यूर चिल्ड्रेन वुड लाइक टू प्ले गेम्स आई सपोज सेट मिसिज जेलेट द यंगेस्ट वर टू वेल मैनर्ड टू कंट्राडिक्ट हर बट वॉट वर दे टू प्ले अब देखो जो मिसिज जेलट थी जिसके पार्टी में वो आए थे जिसने यंग पीपल के लिए पार्टी ऑर्गनाइज की थी वो कहती थी कि बच्चे अब मुझे लगता है कि तुम गेल गेम्स खेलना पसंद करोगे मिसेज जेलेट ने जब ऐसे बोला तो जो यंग यंग गेस्ट थे जो बच्चे आए थे पार्टी में वो इतने ज़्यादा वेल मैनर्ड थे उनकी मैनर्स इतने अच्छे थे कि वो मिसिज जेलेट को अपोज नहीं कर सकते थे मना नहीं कर सकते थे लेकिन अब वो सोच रहे थे कि वो खेलेंगे तो क्या खेलेंगे पिच गेम विल आई नो ऑफ ए गुड गेम सेट द एल्डर रोसले द बॉयज लीव द रूम एंड थिंक ऑफ ए वर्ड देन दे कम बैक अगेन एंड द गर्ल्ल हैव टू फाइंड आउट वट द वर्ड इज अब देखो जो एल्डर रोसले था दो रोजले थे ये तो जो एल्डर रोसले था उसने बोला कि मुझे एक अच्छा गेम पता है कि लड़के रूम छोड़ के जाएँगे और एक वर्ड के बारे में सोचेंगे मतलब अलग से जाकर एक गेम वर्ड के बारे में सोचेंगे और वो वापस आएंगे और गर्ल्स को उस वर्ड का पता लगाना होगा कि उन बॉयज़ ने कौन सा वर्ड सोचा है और रोल न्यू द गेम ही वुड हैव सजेस्टेड इट हिम इफ़ इज फिक्शन हैड बिन इन दिक्कशन इज हैज बिन इन द मेजोरिटी अब देखो दो लोग गेम को जानता था वो खुद ये गेम सजेस्ट करता अगर उसकी पार्टी में ज़्यादा लोग होते मतलब वो तो अकेला बच गया था ना लेकिन उसकी पार्टी में कोई भी नहीं आया था इट इज इन प्रोमिस टू बी वेरी एक्साइटिंग सेट द सुपीरियर डॉलर नीप एज दी बॉयज फील्ड आउट ऑफ द रूम अब जैसे रूम में बहुत सारे लड़के थे तो उसने डॉल्स ने बोला डॉलर लड़की है ठीक है डोलर्स डोलर्स बोलती है कि ये ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होने वाला ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला द वर्ड चूजर्स लॉकडम इन द लाइब्रेरी टू एंश्योर डेट देयर डिस्कशंस वर नॉट इंटरप्टेड और ओवर हर्ड देन वेंट बैक टू द वेटिंग गर्ल्स जो वर्ड चूजर्स हैं जिनको वर्ड चूज करना था वर्ड सोचना था उन्होंने अपने आप को लाइब्रेरी में बंद कर लिया और ये इंश्योर किया कि उनका डिस्कशन है वो आ, इंटरप्ट नहीं होगा मतलब रोकेगा नहीं कोई उनके डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको और सुनेगा भी नहीं और तब वो वापस आए जहाँ पर लड़कियाँ वेट कर रही थी द वर्ड इज़ कैमल अनाउंस द रोसले कजन अब रोसले कजन ने बोला कि जो वर्ड है वो कैमल है यू टू बीट स्ट्रीम द गर्ल वी हैव टू गो टू गेस द वर्ड नाउ यू विल हैव टू गो बैक एंड थिंक ऑफ अनदर अब देखो जो वर्ड था वो लड़कियों को गेस करना था लेकिन किसने बता दिया रोसले ने बता दिया तो गर्ल्स चिल्लाती हैं जोर से स्क्रीम मीस चिल्लाना हे आर दी वर्निंग्स ऑल्सो गर्ल्स चिल्लाई ज़ोर से कि तुम बेवकूफ हो और हमें वर्ड को गैस करना था कि तुमने क्या वर्ड सोचा है अब तुम्हें तो वापस जाना होगा और दूसरा वर्ड सोचना होगा नॉट फॉर वर्ड आई मीन द वर्ड इज एंड रियली कैमर वी वर ब्लफिंग सैड रोलो एंड इट इज ड्रामेट्री ही विस्पर टू द बॉयज और वो कहते हैं कि वर्ड नहीं है ये वर्ड नहीं ये वाला वर्ड नहीं है सेम नहीं है कैमल के, वर्ड नहीं है हम तो तुम्हें धोखा दे रहे थे हम तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहे थे रोलों ने कहा सोचो कि ये ड्रोमेड्री है और उ, उसने विस्पर किया मतलब धीरे से फुसफुसाया धीरे से लो वॉइस इसमें बोला बेटा ड्रोमेड्री एक एनिमल होता है जो कैमल फैमिली का होता है जिसका केवल एक ही हम्प होता है जैसे दो हम्प होते हैं जनरली कैमल्स okay, के लेकिन जो ड्रोमेड्री होता है उसका एक ही हम्प होता है जो ऊंचा उठा हुआ पार्ट होता है उसे हम्प बोलते हैं ठीक है आई हर्ड दैम से ड्रोमेड्री आई हर्ड दैम आई डोंट केयर व्हाट यू से आई हर्ड दैम स्वील द इरिटेटिंग डॉलर अब मैंने उन्हें ऐसे कहता जो डॉलर है वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है आ, देखो मस्टेंग मीस अ स्मॉल अमेरिकन वाइल्ड हॉर्स कागा मीन्स अ टाइप ऑफ जेबरा नाउ एक्सटिंक्ट अब वो खत्म हो गया है अब ये स्पीशीज खत्म हो चुकी है एंड स्कूल स्क्विल्ड मीन्स चिल्लाना ओके तो वो जो इरीटेड होके के चिल्लाती है कि मैंने उन्हें सुना मैंने उन्हें सुना और उन्होंने बोला ड्रामेड्री मैं केयर नहीं करती मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा विदर्स एज लॉन्ग एज हर्स वन वुड हियर एनी थिंग थॉट रोलो अब रोलो ने एक सोचा अगर उसके जितने बड़े कान हो तो कोई कुछ भी सुन सकता है वी विल हैव टू गो बैक आई सपोज द एल्डर रोसले अब बड़े रोसले ने कहा क्या कि हमें अब वापस जाना होगा मुझे लगता है द बॉयज वंस मोर इन द लाइब्रेरी एंड डिबेटेड द द चॉइस ऑफ दॉइसरी वर्ड वाज वो गुड एज हाफ द गर्ल्स नो वॉट इट मीट फाइनली कागा अब लड़कों ने अपने आप को लॉक किया एक बार से फिर से लाइब्रेरी में और आ, डिबेट किया आपस में आर्ग्यू किया कि कौन सा वर्ड होना चाहिए तो उन्होंने मस्टंग वर्ड चूज किया आ, मस्टंग क्या होता है बेटा मस्टंग एक स्मॉल अमेरिकन वाइल्ड हॉर्स होता है ठीक है फिर इसको मना कर दिया गया कि उन्होंने बोला कि आधी लड़कियों को तो पता ही नहीं होगा मस्तंग क्या होता है तो फाइनली कागा को चूज किया गया कागा क्या होता है ए टाइप ऑफ चेबरा होता है जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है ठीक है चलो नेक्स्ट टू मस्ट कम एंड सिट डाउन ओवर हियर चोर इज द गर्ल ऑन द रिटर्न बट रोलो वॉज एडमन डेट द क्वेश्चन पर्सन ऑलवेज स्टैंड अप ऑन द होल इट वॉज दे रिलीफ वेन द गेम एंडेड एंड सफर वॉज अनाउंस्ड अब देखो वो कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ पे आना चाहिए और बैठ जाना चाहिए यहाँ पे लड़कियाँ एक साथ उनके वापस आने पे चिल्लाई लेकिन रोलो बहुत ही ज़िद्दी था और उसने कहा कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं वो कभी नहीं बैठते कुल मिलाकर ये एक रिलीफ का टाइम था उन्होंने चैन की सांस ली जब सफर अनाउंस हो गया मिसिज जेलेट डिड नॉट स्टिंग हर यंग गेस्टिंग हर यंग गेस्ट बट शी नेवर पुट एक्स्ट्रा गुडीज ऑन हर सपर टेबल इट वॉज़ यूज वेली गुड पॉलिसी टू टेक वॉट यू वॉन्ट इड वेयर अब देखो बेटा स्टिंट होता है टू तो प्रोवाइड वेरी लिटल ऑफ समथिंग अब मिस जलेट थी वो अपने यंगस्ट गेस्ट को बहुत कम प्रोवाइड नहीं करती थी खाना बहुत कम नहीं देती थी लेकिन वो कभी भी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रखती थी अपनी सफ़र टेबल पर यह उतना ही होता था जितना कि चाहिए होता था और ये एक तरीके से अच्छा भी होता था कि जो तुम चाहते हो वो वहाँ पे होता था ठीक है एक्स्ट्रा नहीं रखती थी वो लेकिन कम भी नहीं होता था और एक्स्ट्रा भी नहीं होता था ऑन दिस ओकेजन शी हैड प्रोवाइडेड सिक्सटीन पीचिज टू गो अराउंड फोर्टीन चिल्ड्रन इट वॉज़ रियली नॉट हर फोल्ट डेट द टू रोस्लेस एंड द कजन हैड इज पॉकेटेड वन एक्स्ट्रा पीच अब देख सो इस अवसर पर उसने ना सिक्सटीन पीच रख दिए थे Uh, बच्चे कितने थे फोटीन थे और उसने पीचीज रखे थे सिक्सटीन तो ये तो उसकी गलती नहीं थी कि जो टू रोसले और उनका कजन था उन्होंने एक एक पीच एक्स्ट्रा उठा लिया था एक एक एक्स्ट्रा पीच ले लिया था तो तीन पीच कम हो गए बट इट वॉज अनोइंग फॉर डॉलर एंड द फेट गुड नेचर्ड एग् ब्लैक टू बी लेफ्ट विद वन पीच बिटवीन दैम अब लेकिन देखो ये बहुत ही गुस्सा दिलाने वाली चीज़ थी क्योंकि डोलर्स जो कि बहुत ही फेट थी और जो एक गुड नेचर्ड एग्नेस थी उनके लिए दोनों के लिए एक ही पीच बचा था आई सपोज वी हैड बेटर हार्व इट सेट सोवरली अब डॉलर्स ने बहुत गु़स्से में कहा कट, 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 कटास से कहा मतलब चिड़कर कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों को आधा आधा बांट लेना चाहिए बट एग्नेस वॉज फेट फर्स्ट एंड गुड नेचर्स आफ्टर वर्ल्ड अब देखो जो एग्नेस थी वो बहुत मोटी थी मोटे लोगों को जैसे ज़्यादा भूख लगती है और वो गुड नेचर्ड बाद में थी दोज वर हर गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन लाइफ और देखो ये उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे लाइफ में शी वॉज़ वेरी सिंपथेटिक टूअर्स डॉलर्स बट शी हेस्टली डेवर्ड द पीच अब देखो वो बहुत ही डॉलर्स के लिए बहुत ही सिंपथेटिक थी लेकिन उसने पीच को खा लिया जल्दी से खा लिया स्टिल मींस जल्दी से डेविड मीन्स इंजॉयड एटन उसने जल्दी से पीच को खा लिया एक्सप्लेनिंग डेट द जूस वुड गो वेस्ट इफ इट इज इट वॉज कट और क्या एक्सप्लेन किया क्या सफाई दी इसके लिए कि इसका जूस वेस्ट चला जाएगा अगर इसे काटा गया तो आफ्टर रिफ्रेशमेंट मिस जेलेट सेट नाउ वी डू द प्रोफेशनल कंजूर होम आई आईड अंगेज द लास्ट मोमेंट कैन एनी ऑफ यू डिसाइड और देखो रिफ्रेशमेंट के बाद मिसिस जेलेट ने कहा कि अब हम क्या करें जो प्रोफेशनल कंजूर जो उसने इनवाइट किया था उन्होंने उसे मना कर दिया था लास्ट मोमेंट पे तो मिसिस जेलेट ने पूछा कि क्या तुम में से कोई कुछ रिसाइड कर सकता है एवरी वन पेनिक हर कोई डर गया था डॉलर्स वॉज नॉन टू रिसाइड लोक्सले हॉल ऑन द लीज एनक्रेजमेंट क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा भी बोला जाता डोलर्स को तो वो जल्दी से तैयार हो जाते थे लोक्सले हिल रिसाइड करने के लिए दिस इज द नेम ऑफ ए पोयम ओके लोक्सले हिल देयर हैड बीन ओकेजन व्हेन हर ओपनिंग लाइन कॉमरेड्स लीव मी हेयर लिटिल अब देखो ये ओपनिंग लाइन है uh, उस ऑकेजन पे जबकि एक ही लाइन गाई गई थी कॉमरेड्स मुझे यहाँ पे छोड़ दो सेड हैड बीन टेकन लिटरली बाय ए लार्ज सेक्शन ऑफ हर हेयर There was a murmur of relief when रोलो declared that he could do a few conjuring tricks. की means ना ये जो पहली line जब literally li गई बहुत से मतलब पहली line के बाद ही बहुत सारे लोग मतलब छोड़ के चले गए थे hall. तो फिर रोलो ने जल्दी से बोला कि वो कुछ कंजूरिंग ट्रिक्स करेगा मतलब कुछ जादूगर के जादू के ट्रिक्स करेगा तो सब ने थोड़ा सा चैन की सांस ली सबको अच्छा लगा कंजूर मींस मैजिशियन होता है बेटा जो जादू दिखाता है आपको ठीक है डेट शो यू मैजिक ट्रिक्स यू हैव सीन कंजूर टेक कॉन्स एंड कार्ड्स आउट ऑफ पीपल ही अनाउंसड अब उसने बोला उसने डिक्लेयर किया किसने रोलो ने क्या बोला कि तुमने कंजूरर्स को देखा होगा मतलब मैजिशियंस को देखा होगा कि वो कॉइंस और कार्ड्स निकालते हैं लोगों के पॉकेट से लोगों में से ओके वेल आई एम गोइंग टू टेक मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स आउट ऑफ समू माइज फॉर इंटेंस अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पॉकेट से कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स निकालने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स के लिए माइस मीन्स चूहे नॉट माइज अलाउड प्रोटेस्ट रोज एक बहुत मतलब सब लोगों ने मिल के बोला प्रोटेस्ट किया मतलब कि मना किया कि माइस नहीं एज ही हैड फोर सीन फोर सीन मीन्स प्रिडिक्टेड जैसे उसने पहले से भविष्यवाणी की थी फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ हिज एड और वेल फ्रूट देन तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है फ्रूट्स निकाल सकते हैं द सजेशन वॉज अप्रूव्ड अप्रूव्ड मीनस एक्सेप्टेड जो सजेशन था वो एक्सेप्ट कर लिया गया कौन सा सजेशन कि फ्रूट्स निकालना तुम पॉकेट से माइस नहीं निकालना एग्नेस पॉजिटिवली बीम्ड और एग्नेस पॉजिटिवली स्माइल्ड मतलब वो स्माइल किया उन्होंने एग्नेस ने विदाउट मोर एडो रोलो मेड स्ट्रेट फॉर दिस ऑफ एनिमीज हिज हैंड इन टू द जैकेट पॉकेट एंड प्रोड्यूस थ्री पीचिज बिना ज़्यादा देर किए रोलो ने स्ट्रेट वो अपने तीनों दुश्मनों की तरफ किया कौन थे उनके तीनों दुश्मन रोसले रोसलेस मीन्स टू रोसले और उनका एक कजन और उनके पॉकेट से क्या निकाला तीन फ्रूट्स निकाले तीन पे निकाले जो कि उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए थे दिस वाज नॉट कंजरिंग एक्ट बट दिस वाज हिज प्लान ही दिस वाज हिज स्ट्रेटजी डेट्स वाई द चैप्टर नेम इज स्ट्रेटजिस्ट कौन है स्ट्रेटजिस्ट यहाँ पे रोलो ओके और देर नो अपलोज कोई तालियां नहीं बजी बट नो अमाउंट ऑफ हैंड क्लैपिंग वुड हैव गिवन परफॉर्मर एज मच प्लेजर एट द साइलेंस विच ग्रेटेड दिस हिज ट्रिक लेकिन देखो कोई भी कहता है कि कोई भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हैंड क्लैपिंग है अगर वो दी जाती तो परफॉर्मर को इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि साइलेंस से मिली जिससे कि उसके ट्रिक को ग्रीट किया मतलब स्वागत किया गया उसकी ट्रिक का ठीक है उसकी कौन सी ट्रिक देखो कितना चलाकी से उसने उनकी चोरी पकड़ ली थी एक तरीके से कोर्स वीवर इन द नो सेज द रोस्ल कजन फिबली रेस्ल कजन ने कमजोरी से कहा वीक फिवली कहा चुपे से कहा कि ऑफ कोर्स हमें पता था डैट इज़ डन इट चकड़ रोलो टू हिमसेल्फ और डेट इज़ डन इट रोलो अपने आप से मैं हंसा अच्छा ये हो गया इफ़ दे हैड बिन कॉन्फिडरेटर्स दे वुड हैव सोन दे न्यू नथिंग अबाउट इट सेट डॉलर्स डॉलर्स ने कहा अगर वो शरियंत करने वाले होते तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे डो यू नो एनी मोर ट्रिक्स आस्क मिस जेलेट हरीडली अब मिसिस जेलिट ने हरिडली पूछा जल्दी से पूछा हरीडली मिस जल्दी से क्या तुम्हें और भी ट्रिक्स पता है रोलो डिड नॉट ही माइड हैव चेंज द थ्री पी चीज इंटू सम एल्स बट एग्निस हैज ऑलरेडी कन्वर्टेड वन इंटू गर्ल फूड सो नथिंग मोर कुड बी डन विद रोलो नहीं जानता था और उसने हिंट दिया इशारा किया कि वह शायद तीन पिचेज को किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर सकता था लेकिन एग्नेस ने एक को ऑलरेडी खा लिया था इसलिए वो और कुछ नहीं कर सकता था उनके साथ आई नो ए गेम गेम सेट यंगर रोसले प्राउडली अब यंगर जो छोटा वाला रोसले था उसने जल्दी से बोला घमंड से कि मुझे ये गेम पता है वेर द फेलोज गो आउट ऑफ द रूम एंड थिंक ऑफ सम कैरेक्टर इन हिस्ट्री दैन दे कम बैक एंड एक्ट हिम एंड दी गर्ल्स हैव टू गेस हु इट इज़ मट फोर तो जहाँ पर कुछ लड़कों को कमरे से बाहर जाना होगा और कुछ कैरेक्टर्स हिस्ट्री के किसी कैरेक्टर के बारे में सोचना होगा और तब वो वापस आएँगे और उसके बारे में एक्टिंग करेंगे और लड़कियों को गैस करने, करना होगा कि वो कौन सा कैरेक्टर आई एम अफ्रेड आई विल हैव टू लीव नाउ said Rollo to his hostess your carriage won't be here for another twenty minutes said Mrs Jellet Mrs Jellet ne kaha uh, Rollo ne kaha apne hostess se who is the hostess of Rollo Mrs Jellet Mrs Jellet se bola ki mujhe jana hoga to Mrs Jellet ne kaha ki tumhari carriage 20 minutes tak nahi aayegi it is such a fine evening i think i will walk and meet it. तो रोलो कहता है कि ये बहुत ही इवनिंग है और मैं जा सकता हूँ चल कर जा सकता हूँ वहाँ तक गाड़ी तक इट इज रेनिंग रेदर स्टिली जस्ट नाउ यू हैव टाइम टू प्ले डेट हिस्टोरिकल गेम मिसिस जेलिट ने कहा कि बारिश हो रही है कंटिन्यूसली अभी तो तुम गेम खेल सकते हो तुम्हारे साथ पास गेम खेलने का टाइम है हिस्टोरिकल गेम यू हैवेंट हार्ड रोलस रिसाइड सेट रोलो डेस्परेटली एज सुन एज ही हैड सेट इट ही रियलाइज हीज मिस्टेक लोक्सले हॉल इट वुड नॉट बी दे डिक्लेयर अनि मसली फॉर दी हिस्ट्री गेम हमें लोलों ने डेस्परेटली कहा कि हमें डोलर्स को डिसाइड करते हुए नहीं सुनना है लॉक्सले हॉल और जैसे ही उसने ऐसा कहा तो उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ मिस्टेक का रियलाइज हुआ ये लोग ही लोग ही और उन्होंने सब ने हिस्ट्री गेम के लिए एक साथ बोला अनिमसली मीन्स एक साथ टुगेदरली एक मत में डेस्परेटली मीन्स सैडली हॉपलेसली अनिमसली मीन्स टुगेदर डोलो प्लेड हिज लास्ट कार्ड इन ए विस्पर मेंट फॉर द रोसले बॉय बट केयरफुली पिच टू रीच एग्नेज ही सेड ऑल ओल्ड मैन वी विल गो एंड फिनिश द चॉकलेट्स वी लेफ्ट इन द लाइब्रेरी अब लोलो रोलो ने अपना लास्ट कार्ड खेला मतलब लास्ट स्ट्रेटजी बनाई और एक विस्फर में बोला चुपचाप धीरे से जिससे कि वो एग्नेस तक बात पहुंच जाए रोज ने बॉय को बोला कुछ और उसने कहा ठीक है बड़े लग के अब हम जाएंगे और सारी चॉकलेट्स फिनिश कर देंगे जो हमने लाइब्रेरी में रखी हैं जैसे कि एग्नेस आपने पढ़ा कि काफ़ी फूड लविंग है तो उसको सुनाकर बोला जानबूझ रोलो ने रोसले को बोला वैसे पर वो एग्नेस को सुनाना चाहता था आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर डेट द गर्ल शुड टेक टर्न इन गोइंग आउट एक्सलेंट एग्नेस अब एग्नेस जल्दी से चिल्लाती है बोलती है कि मुझे लगता है कि अब लड़कियों को बाहर जाना चाहिए और अपनी टर्न बाहर जाने की टर्न लेनी चाहिए नॉन सेंस दर आर टू मैनी और दूसरों ने कहा ये तो बकवास है हमें तो ऐसे बहुत सारे हैं वेल फोर ओ फर्स कैन गो I will be one of them," said Agnes. Darted off towards the library, followed by three less eager girls. और देखो जो एग्नेस थी मैंने आपको बताया कि शी वाइज वेरी फूडी और शी फूड क्योंकि वो बहुत मोटी है पहले भी चैप्टर में आया कि फैट फर्स्ट एंड गुड नेचर्ड लेटर बाद में ठीक है मिस जो एग्नेस है वो गुड नेचर्ड बाद में है लेकिन फैट पहले है तो वो जल्दी से पीच को खा जाती है उस टाइम भी और यहाँ पर भी जब भी उसे पता चला कि चॉकलेट है वहाँ पर तो उसने बोला कि हम में से चार जाएंगे और मैं उनमें से एक होंगी और इस तरीके से वो जल्दी से लाइब्रेरी में भागी और उसके पीछे पीछे तीन लड़कियाँ गई। रोलो सेंक इन टू ए चेयर और रोलो चेयर पर बैठ गया विंग्ड उसने आँखें मटकाई आँखें एक आँखें बंद की और मतलब इस तरीके से विंग किया एंड स्माइल किया स्माइल्ड एवर सो फ्रेंडली एट द रोस्ले और रोसले की तरफ फीबली मतलब धीरे से स्माइल किया फ्रॉम दी लाइब्रेरी केम द साउंड ऑफ मूविंग फर्नीचर और लाइब्रेरी से फर्नीचर को सरकाने की आवाज़ें आ रही थी इधर उधर खिसकाने की एग्नेज वॉज लिविंग नथिंग अनटर्न इन हर सर्च फॉर द मिथिकल चॉकलेट मिथिकल मीन्स इमेजिनरी अब देखो एग्नेस थी वो किसी भी चीज़ को अनटर्न नहीं छोड़ना चाहती थी मतलब बिना पलटे उल्टे छोड़ना नहीं चाहती थी उन इमेजिनरी चॉकलेट्स के लिए क्योंकि वो सोच रही थी वहाँ पे चॉकलेट थी जो कि वहाँ पे रेल में नहीं थी एंड देन के मे मोर ब्लेस साउंड और तब वहाँ पे एक बहुत अच्छी आवाज आई व्हील्स क्रंचिंग वेट क्रेवल कि एक गाड़ी आई जो कि गीले पत्थरों पे चलते हुए पहियों की आवाज़ मतलब ये रोलो की गाड़ी आ गई थी अब रोलो का वेट खत्म हो गया था इट हैज़ बीन ए मोस्ट इंजॉयबल इवनिंग थैंक यू मिसिज जेलेट सेट रोलो टू इज होस्टेस एज ही वॉक टूवर्ड्स हिज वेटिंग कैरेज जब रोलो अपनी वेटिंग कैरेज की तरफ जा रहा था अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो उसने मिसिस जेलेट से थैंक यू बोला और बोला कि ये बहुत ही अच्छी एन्जॉएबल इवनिंग है सो so, स्टूडेंट्स देखो बेटा ये ब्लेस साउंड क्यों बोला है क्योंकि रोलो वेट कर रहा था अपनी गाड़ी का ही फिल्ट बोर्ड इन इन दिस पार्टी उसने बहुत ही बोर फील किया और देखो वो ना अब वहाँ पर नहीं रुकना चाहता था ही डिडेंट जी एन्जॉय द पार्टी सो ही फेल्ट वेरी ओवरजॉयड ही फेल्ट ओवर जॉयड ही फेल्ट वेरी हैप्पी दिस इज ऑल स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो